प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर ठाकुर नारायण सिंह जी, जो कि हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़े हुए, और साथ में ही फार्मर हमारे यहाँ पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी बैठे हैं। अभी ठाकुर नारायण सिंह जी, आपसे कुछ विषय में बात करना चाहेंगे। प्रेस वार्ता में आप सब बंधुओं का को नमस्कार। आज का जो विषय है, जो विलय दिवस हमारा 26 अक्टूबर को जो महाराजा हरि सिंह जी ने भारत वर्ष के साथ जो विलय किया जम्मू कश्मीर का, और उस 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पर साइन की और 27 को वो जो एक्सेप्ट हुआ, और उसी विषय पे जो हमारे पिछली जो हमारे एलजी साहब थे, उन्होंने 26 विलय दिवस पर जो छुट्टी की घोषणा की। और आप सबको ये जानकारी होगी कि पूरे भारतवर्ष में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो बाकी रियासतों ने जो बाकी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया, वही हमारे जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया। लेकिन जो हमारी 47 के बाद जो हमारी सरकारें यहाँ रही, चाहे वो केंद्र की सरकारें थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार थी, वो उस हमारे इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पर, इस विलय पर वो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, और उस पर तरह तरह की जो बयानबाजी आप भी सुनते रहे कि वो तरह तरह की जो बयानबाजी इस विषय पे होती रही। लेकिन जब ये 26 अक्टूबर को विलय दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई, और जब मोदी सेंटर में जो मोदी सरकार, हमारी मोदी सरकार जब आई और उन्होंने जब ये सारा एग्जामिन किया कि विलय दिवस पर जो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय भारतवर्ष के साथ किया था, और भारत जो हमारा मुकुट, जो जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का एक मुकुट था, जैसे 47 के बाद क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और हमारे लॉर्ड माउंट बैटन, जो इनकी एक तिकड़ी थी, उन्होंने ये सारी जो साजिश थी, ये सारी साजिश इनकी इनकी एक साजिश थी, और ये चाहते थे कि भारत जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसका विलय पाकिस्तान के साथ हो। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर का विलय वो भारत के साथ हो, और उसके लिए ये इन पर एक प्रेशर बनाया गया। आपको जानकारी होगी कि जब कवालियों ने, ये कहते हैं कि कवालियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, वो वास्तव में कवाली नहीं थे, वो पाकिस्तान की फौज के सिपाही थे, वही उन्हीं के वेपन थे, क्योंकि उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जम्मू कश्मीर हमारे भारतवर्ष की आर्मी के भी चीफ थे और पाकिस्तान आर्मी के भी चीफ थे, और ये दोनों जो देशों की आर्मी थी ये उनके कंट्रोल में थी, और जम्मू कश्मीर एक वाहिद एक रियासत थी जिसको जिसका जिम्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ लिया। तो आप ये समझें कि ये एक डेलिबरेटली उनका एक रिवेंजफुल एटीट्यूड था महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, और उन्होंने जब ये अपने हाथ जे के हमारे जम्मू कश्मीर का मसला अपने हाथ लिया, और उसके बाद आपको पता ही है कि ये क्या यहाँ कैसे हालात पैदा हुए। तो मैं समझता हूँ कि उस समय की जो गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय की जो सरकार थी उन्होंने की, और उस गलती को सुधारने के लिए जब महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से देश हमारी स्टेट से निकाला गया, और ये बॉम्बे छुट्टी कैंसिल की गई, 13 जुलाई जो शहीदी दिवस ये मनाते थे, हमारे भी जम्मू के बड़े बड़े लीडर जो वहाँ शहीदी दिवस पर वो उनको फूल चढ़ाने चले जाते थे। मैं समझता हूँ कि 13 जुलाई को ग्राउंड पे क्या हुआ था ये किसी भी लीडर ने बताने की कोशिश नहीं की, और उसको शहीदी दिवस का एक दर्जा देकर ये हर साल वो शहीदी दिवस मनाते थे। मैं समझता हूँ कि वो भी वो जो 13 जुलाई की जो छुट्टी कैंसिल हुई, और उसके बाद जो विलय दिवस पर ये क्वेश्चन मार्क लगाते थे, विलय दिवस पर छुट्टी की गई, मैं समझता हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था पूरे हिंदुस्तान में कि इसमें कोई कमियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट सेशन जो डॉक्यूमेंट था वो पूरे भारतवर्ष में एक ही डॉक्यूमेंट था, सेम लैंग्वेज थी, उसी आधार पर सारी स्टेटों ने भी भारत के साथ विलय किया था, और उसी आधार पर जम्मू कश्मीर का विलय जो था वो भारतवर्ष के साथ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लोगों को बताने के लिए जो लोगों के दिमाग में एक बात भरी गई थी कि नहीं यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमारा जो विलय है ये पूर्ण नहीं है, तो ये सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो हमारी सरकार थी उन्होंने 26 अक्टूबर को छुट्टी की घोषणा की है। और उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी और बाकी हमारे जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम हर साल विलय दिवस पर कार्यक्रम करते हैं। इस साल भी जो हमारा एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम, सारी जितनी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन और बाकी सिविल सोसाइटी मिलकर एक कार्यक्रम जो है, ये जो महाराजा हरि सिंह पार्क है वहाँ ये कार्यक्रम 26 अक्टूबर को होने जा रहा है, 11 बजे ये कार्यक्रम
वहाँ शुरू होगा और 2-2.5 बजे के तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें हमारे जम्मू के और बाहर के भी सारे जितने भी हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, हमारी पार्टी के लोग, हमारे बाकी जो हमारे व्यापारी संगठन है, धार्मिक संगठन है, ये सब लोग उस कार्यक्रम, हर साल ये कार्यक्रम होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये जम्मू के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह पार्क में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें आप सब लोग शामिल हों और जो हमारी जम्मू की हिस्ट्री जो इन्होंने दबाने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, वो हिस्ट्री अब दोबारा लोगों तक पहुंचेगी। जो जो उन्होंने काम किए हैं, हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो हमारे काम किए हैं, वो लोगों तक काम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।